अस्सलाम वालेकुम। सो हम ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन के बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डायफिजियल आर्टरीज़ का देखा, जिनको हम न्यूट्रिएंट आर्टरीज़ भी कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे मेटाफिजियल आर्टरीज़ को, जो डायरेक्ट ब्रांचेज होती हैं मेन रीजनल आर्टरीज़ की, ठीक है। ये एंटर होती हैं बोन थ्रू द वेस्कुलर फोरामेंट्स, जैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेंट्स से, इसी तरह वेस्कुलर फोरामेंट्स भी सुराख होते हैं, ठीक है, मेटाफिजियल लाइन के बिल्कुल करीब, और वहाँ से मेटाफिजियल आर्टरीज़ एंटर करती हैं। फिर उसके बाद ये डिवाइड हो जाती हैं और एनास्टमोस करती हैं मेडुलरी आर्टरीज के साथ, ठीक है। या फिर अगर अडल्ट बोन है जिसमें एपिफिजियल कार्टिलेज या एपिफिजियल लाइन या एपिफिजियल प्लेट नहीं है, तो वो एपिफिजियल आर्टरीज के साथ भी एनास्टमोस करती हैं। ये छोटी सी आर्टरीज हैं, इसके हम जो है वो पिक्चर के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग बोन, यहाँ पर हमारे पास एपिफिजिस, ये एपिफिजियल प्लेट, ये एपिफिजिस हो गया, ये हमारे पास मेटाफिजिस और ये हमारे पास डायफिजिस। तो हमारे पास ये यहाँ से एंटर करती हैं थ्रू वेस्कुलर फोरामेंट्स और ये डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी ब्रांचेज में, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ी थी मेडुलरी आर्टरीज, जो कि हमारे पास न्यूट्रिएंट आर्टरी ऐसी आई थी, तो इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच को हमने मेडुलरी आर्टरीज कहा था। तो इसके साथ एनास्टोमोस करती हैं, या फिर हमारे पास जो है यहाँ पे वो एपिफिजियल आर्टरीज के साथ भी एनास्टोमोस कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास इमेच्योर बोन जो के बच्चों की होती है उसमें ये एपिफिजियल कार्टिलेज होता है। यहाँ पे हमें पता है कार्टिलेज में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो सिर्फ इमेच्योर बोन में ये एनास्टोमोस करेंगी मेडुलरी आर्टरीज के साथ, लेकिन अडल्ट बोन में ये इसकी ब्रांचेज ऊपर भी जाएंगी, यहाँ से एपिफिजियल आर्टरीज होंगी और उसके साथ जो है एनास्टोमोस करेंगी, लेकिन हमारे पास ये इमेच्योर बोन में सिर्फ एनास्टोमोस करेंगी इसके साथ मेडुलरी आर्टरीज के साथ। इसका कोर्स बहुत ही सिंपल है, न्यू वेस्कुलर फोरामेन से आती हैं, डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी ब्रांचेज में, कैपिलरीज में, और एनास्टोमोस करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एपिफिजियल आर्टरीज, दे आर ड्राइव फ्रॉम द आर्टीरियल एनास्टोमोसिस विच इज़ फॉर्म्ड अराउंड द जॉइंट्स बाय ब्रांचेज ऑफ मेजर आर्टरीज, दे एंटर थ्रू वेस्कुलर फोरामेंस, डिवाइड इंटू ब्रांचेज टू फॉर्म द आर्टीरियल कैस्केड्स एंड एंड आर्टीरियल लूप्स, ठीक है। इसको हम देखते हैं डायग्राम से। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास बोन है, तो ये हमारे पास एपिफिसिस है। तो हमें पता है कि जहाँ भी बोन का एंड होता है वो आर्टिकुलर सरफेस होती है, और फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमरस का एंड है या फिर अल्ना का रेडियस का एंड है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एनास्टोमोस होता है। यहाँ पे हर जॉइंट पे एनास्टोमोसिस होती है और एनास्टोमोसिस से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो आगे जाके यहाँ पे फिजियल आर्टरीज बन जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने स्कैपुला पे एनास्टोमोसिस पढ़ा है, एल्बो जॉइंट पे पढ़ा है, तो उन एनास्टोमोसिस में से ब्रांचेस निकलती हैं और फिर जो है वो एपिफिजियल आर्टरीज बन जाती हैं। एपिफिजियल आर्टरीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो आपस में इतनी ज़्यादा ब्रांचेज में डिवाइड होती हैं, आपस में ये एनास्टोमोस करती हैं और ये फिर हमारे पास बना देती हैं आर्टीरियल कास्केड। तो ये आपस में एनास्टोमोस करके आर्टीरियल कास्केड बना देती हैं, और आर्टीरियल कास्केड को हम कह देते हैं एंड आर्टीरियल लूप कह देते हैं। अब ये जो एंड आर्टीरियल लूप बनता है, ये आगे दो काम कर सकता है, या तो ये वेन्यूल्स बन जाता है, वेन्यूल्स बन के जो यहाँ पे एपिफिजियल वेनस साइनस होता है उसमें ड्रेन करता है, या फिर हमारे पास ये क्या करता है, जो कम्पैक्ट बोन, यहाँ पे कम्पैक्ट बोन में जो कॉर्टेक्स है ये तो यहाँ पे आपस में रहते हैं, यहाँ पर यहाँ तक चले जाते हैं, यहाँ पे जो कैल्सिफाइड रीजन है थोड़ा सा वहाँ पे सप्लाई करते हैं। ये हमारे पास हो गई एपिफिजियल आर्टरीज। इसके बाद हमारे पास हैं पेरिओस्टियल आर्टरीज। पेरिओस्टियम का मैंने आपको बताया था कि बोन के आउटर कवरिंग पे को कहते हैं, ड्राइव फ्रॉम द आर्टरीज ऑफ दोज मसल्स विच आर अटैच टू बोन्स फ्रॉम प्लेक्सिस ओवर पेरिओस्टियम ऑल्सो एंटर कॉर्टिकल टू एनास्टोमोस विद द कॉर्टिकल आर्टरीज। ये हमारे पास अगर एक बोन है इसकी आउटर कवरिंग जी, यहाँ पे आउटर कवरिंग है सारी, उसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं, और हमें पता है कि इसके ऊपर लगी होती हैं फॉर एग्जांपल मसल्स लगी होती हैं,
मसल्स में जो आर्टरी सप्लाई करती हैं वो डीप चली जाती हैं और फिर डीप जाके इस पेरियोस्टियम को सप्लाई करती हैं। तो ये ड्राइव होती हैं उन मसल के आर्टरीज से जो कि बोन से अटैच होती हैं, और फिर ये पेरियोस्टियम को सारा सप्लाई करती हैं, प्लेक्सिस बना लेती हैं, या फिर ये थोड़ा सा और डीप चली जाती हैं और एंटर हो जाती हैं वो यहाँ पे जो हमने कॉर्टिकल आर्टरीज पढ़ी थी, जो कि मेडुलरी जो कि डायफिजियल आर्टरी की ब्रांच थी वो कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है, तो उनके साथ भी एनास्टोमोस कर लेती है। तो ये हमारे पास थी चार तरह की ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन। थैंक यू।